हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंजीनियरिंग का क्यू एन ए इंटरव्यू का क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। जैसे बेसिकली लगभग लाता ही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का एक कंप्लेन है कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जब सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो उसके बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना, वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके पास चला जाएगा। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्या सवाल पूछा था? आप लोगों से सवाल पूछा था, द लोएस्ट मोस्ट हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ ए शटर इज नोन एज। शटर का लोएस्ट मोस्ट पोर्शन जो होता है, फ्रेम की बात नहीं हो रही है, शटर की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर है बॉटम रेल, ठीक है, बॉटम रेल। जिन्होंने राइट आंसर दिया है उन लोगों को कॉन्ग्रेट्स। और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के एंड में फिर से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। बिल्डिंग में जो हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं कॉन्क्रीट में, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कितना होना चाहिए? वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना? 5% से ज्यादा, ठीक है। 5% से ज्यादा का वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए वो एग्रीगेट का जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो। ये अगर आप क्वालिटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। जो स्टोन, जो एग्रीगेट आप यूज कर रहे हो अपने बिल्डिंग में, उसका अगर आप क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करोगे एक्सपेरिमेंट करके, तो वो कितना होना चाहिए? वो ऑलवेज मोर देन 100 MPa, ठीक है। 100 MPa, बताता हूँ क्या है MPa। MPa, एन नहीं है, MPa, मेगा पास्कल, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है मेगा पास्कल में, तो मेगा पास्कल को ही बोलते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर। ड्राई रॉट का मतलब क्या होता है? आप टिम्बर मतलब लकड़ी जो होता है ना, वुड, वुड में देखिएगा फंगस की वजह से सूखा 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 लग जाता है, डीके होने लगता है, सड़ने लगता है लकड़ी, खराब होने लगता है लकड़ी, समझ गया, फंगस की वजह से। तो उसको ड्राई रॉट कहा जाता है। तो वो किस वजह से होता है? लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका होता है आंसर लैक ऑफ वेंटिलेशन, लैक ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर। एक टिम्बर को जानते हो सीजनिंग किया जाता है, और जो लकड़ी जितना ज्यादा अच्छा सीजनिंग किया होता है वो उतना ज्यादा साल चलता है, उतना ज्यादा उसका कॉस्ट होता है, ठीक है, उसका ड्यूरेबिलिटी उतना ज्यादा होता है। तो एक अच्छा खासा जो टिम्बर है उसका अगर सीजनिंग अच्छा से किया हुआ है, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होगा? वो 10 से 12% होता है, 10 से 12%, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ। जो टिम्बर फर्स्ट क्लास एवरेज की कैटेगरी में आती है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम से कम कितना होगा? मोर देन 10 ईयर्स, कम से कम, ठीक है। लकड़ी तो अच्छी खासी होती है, तो वो अच्छी खासी 20, 25, 30 साल भी चली जाती है, 50 साल भी जाती है लकड़ी, पता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कैटेगरी में कब लाएंगे हम किसी टिम्बर को? अगर उसका जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल से ज्यादा हो, ठीक है, तो मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है ये, फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, समझ गए ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब हम उसको पानी में 24 घंटा के लिए इमर्ज करके रख दे? तो हमेशा याद रखना 20%, ठीक है। अब ये 20% जब आप आंसर दोगे तो ये इनकम्प्लीट हो जाता है, आपको बताना पड़ेगा 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ठीक है, 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। आपको एक्सपेरिमेंट जानना तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ईटा को पहले ड्राई कंडीशन में वेट कर लिया जाता है, वेट मतलब नाप लिया जाता है, ठीक है, उस पे तराजू में तोल लिया जाता है कितना उसका वजन है। उस वजन का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली चैटिलियर्स डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द। ली चैटिलियर्स डिवाइस का नाम तो आप सुना ही होगे, तो इसको क्यों यूज किया जाता है? साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए, ठीक है, साउंडनेस
साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है, ये एक टाइप का एबिलिटी है सीमेंट का, जब वो हार्ड हो जाता है और जब सेट हो जाए तो पहले का और बाद का जो वॉल्यूम है वो सेम रहे, समझ गए। देखो सीमेंट आप पेस्ट बनाए, यहाँ पे ये पेस्ट आप बनाए, पेस्ट थोड़ी देर में हार्ड हो गया, बट उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो अभी आया नहीं है, लगभग वो हार्ड हो चुका है, ठीक है, बट इनिशियल सेटिंग टाइम क्रॉस नहीं किया है। अब इनिशियल सेटिंग उस वक्त का जो उसका वॉल्यूम है और इनिशियल सेटिंग टाइम क्रॉस करने के बाद का जो वॉल्यूम है, दोनों अगर सेम है तो उसे साउंडनेस टेस्ट कहा जाता है, वो चीज हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो साउंडनेस इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए हार्डेंड सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए था आज के लिए। तो आते हैं अब स्क्रीनशॉट पे, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बट बहुत जन का यहाँ पे कंप्लेन है कि सर आप लोग जो आप जो लिखते हो कहीं पे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग को स्क्रीनशॉट लेने में, अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा खराब होता है तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट सही से नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं वेबसाइट पे तो डालता ही हूँ, आप कोशिश करना वहां से जाके स्क्रीनशॉट लो उसको, तो प्रॉपर लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा, वो चीज अपने पास रखो तो गलती नहीं होगा। यहाँ पे बहुत कुछ शॉर्ट में लिखता हूँ, वहाँ पे डिटेल में रहता है, तो वो चीज का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेना है ना तो वेबसाइट पे जाओ, वहां से जाके स्क्रीनशॉट लो, वो अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ साथ बना हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ जो आप लोगों के लिए मैंने रखा है, वो क्या है, डॉग लेग स्टेयर्स आर, डॉग लेग स्टेयर का नाम सुने हो तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा स्टेयर का टाइप डॉग लेग स्टेयर है, ठीक है। ऑप्शन ए है हाफ टर्न स्टेयर्स, ऑप्शन बी है क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, ऑप्शन सी है स्ट्रेट स्टेयर, ऑप्शन डी है थ्री क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, ठीक है। तो जो भी आप लोग को राइट आंसर लगता है कमेंट में जाकर जल्दी से आप लोग बता दे कि कौन सा राइट है, और जो भी लिखेगा फुल सेंटेंस में लिखेगा, ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन है वो पूरा लिखिएगा, ऑप्शन मत डालिएगा, ठीक है, लिखिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। मैं इसका जवाब क्या करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है।